जहाँ पर इस शहर में चलने के लिए सड़क नहीं, रहने के लिए मकान नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, उस परिस्थिति में यदि हम आपको ये बात कहें कि हम जीत कर जाएंगे और हम हवाई सेवा शुरू करा देंगे तो जले पर नमक छिड़कने वाली बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को होना है और आज हम लोग भागलपुर विधानसभा में हैं और यहां पे मतदान 3 नवंबर को होना है। सभी पार्टी के प्रत्याशी अपने दमखम के साथ चुनावी मैदान में हैं और आज हमारी मुलाकात राजेश वर्मा जी से हो रही है जो कि लोक जनशक्ति पार्टी के से उम्मीदवार हैं। ऐसा कहा जा रहा है भागलपुर में कि, और हम लोगों ने भी देखा है कि जिस दिन इनका नामांकन था वो जन सैलाब पूरे बिहार में कहें या पूर्वी बिहार में कहें, ऐसा जन सैलाब किसी भी प्रत्याशी की नॉमिनेशन में नहीं पहुंचा। जिस मोहल्ले में जिस वार्ड में जाते हैं वहाँ लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है क्योंकि एक हमें युवा साथी चाहिए, युवा नेता चाहिए। विकास करने वाला युवा साथी अगर हो तो विकास असंभव नहीं है, क्योंकि नगर निगम में रहते हुए, डिप्टी मेयर के पद पर रहते हुए इन्होंने अपने भागलपुर में वो विकास की छाप छोड़ी है। हर समस्याओं, छोटी मोटी बड़ी समस्याओं को लेकर इन्होंने आवाज उठाई और जहां तक यथासंभव हो पाए उनके कार्य किए। राजेश जी से जानेंगे, सर कैसा जन समर्थन मिल रहा है लोगों? देखिए, मुझे लगता है कि इस बार लोग पूरी तरीके से बदलाव के मूड में है और इस बार क्या नौजवान, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, क्या बहनें, हर लोग, हर वर्ग के लोग, हर धर्म जात के लोग, और मुझे लगता है इस बार लोग पार्टी को वोट देने नहीं जा रहे हैं, इस बार लोग प्रत्याशी को वोट देने जा रहे हैं। और ये पहला चुनाव होगा भागलपुर के लिए जब जनता प्रत्याशी को वोट देने का काम करेगी, पार्टी को वोट देने का काम नहीं करेगी। मतलब हर वार्ड में जहां भी जा रहे हैं सभी वर्ग के समर्थन प्राप्त है। देखिए, मैंने कभी भी अपनी राजनीति को किसी जाति आधार पर किसी एक वर्ग के लिए सीमित नहीं किया। मेरा काम जहाँ जब जिसको जिस परिस्थिति में हमारी आवश्यकता पड़ी या कहीं कोई समस्या रही तो हम लोग हमेशा लोगों के बीच खड़े रहे, बने रहे, और यही कारण रहा कि आज सभी वर्ग के और सभी जात धर्म के लोग हमारे साथ। सर, विकास के रूप में अगर कहें तो अजीत शर्मा फिर से वो दोहरा रहे हैं कि ये पुल बनवाएंगे, हवाई अड्डा लाएंगे, फिर से उसी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। देखिए, पहली प्राथमिकता मैंने अपने पूरे एजेंडे में कहीं भी हवाई सेवा की चर्चा नहीं की है कि मैं बन कराऊंगा तो मैं यहाँ से हवाई सेवा या हवाई सेवा शुरू कराऊंगा। उसके पीछे के कारण को समझने की आवश्यकता है कि यहाँ पर हम, ये भागलपुर वो शहर है जहाँ पर पीने के लिए लोगों के पास स्वच्छ पानी नहीं है। सभी 51 वार्ड की बात करें तो पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं है लोगों के पास। सभी 51 वार्ड में पक्की सड़कें बहुत जगहों पर नहीं है, चलने लायक सड़क नहीं है। बहुत सारे वार्डों में नाले निर्माण का कार्य बाकी है। बहुत सारे लोगों के पास अभी भी जो निम्न वर्ग का परिवार है उनके पास राशन कार्ड की दिक्कत है। वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिनको आवास बनाना है उनको अभी तक कोई सरकारी योजना नहीं मिल पाई है। तो जहाँ पर जर्जर तार है, पोल है, तो जहाँ पर ये शहर मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा है, जहाँ पर इस शहर में चलने के लिए सड़क नहीं, रहने के लिए मकान नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, उस परिस्थिति में यदि हम आपको ये बात कहें कि हम जीत कर जाएंगे और हम हवाई सेवा शुरू करा देंगे तो जले पर नमक छिड़कने वाली बात। पहले मुझे लगता है कि 5 साल कम से कम इस शहर को मूलभूत समस्या से निजात दिलाने के लिए चाहिए। यदि हवाई सेवा शुरू होती है तो हर जनप्रतिनिधि अपने स्तर से बेहतर प्रयास करता है, हम भी बेहतर प्रयास करेंगे, लेकिन मेरी प्राथमिकताओं में अभी हवाई सेवा से ज़्यादा इन मूलभूत समस्याओं का निदान करना है ताकि शहरवासी पहले अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सके, अपने जीवन शैली में आने वाले डेली के दिनचर्या को एक बेहतर और सुगम तरीके से जीने का काम कर सके। उसके बाद हम लोग उन बड़े मुद्दों पर बैठेंगे या उनके बाद हम बड़े मुद्दों पर चर्चा और आगे का निवारण करेंगे। सर, एक सिल्क नगरी है ये, दो चीज के लिए भागलपुर जिला फेमस है, एक सिल्क नगरी के लिए और भागलपुर की जो नौगछिया है वो केले के लिए। लेकिन ना सिल्क उद्योग यहाँ पे अच्छे से ग्रो कर पा रहा है ना केला उद्योग, क्योंकि केले का जो चिप्स लोग खाते हैं वो भी बाहर से आते हैं। क्या ये दो चीजों के उद्योग लगाकर, दो इंडस्ट्री लगाकर चिप्स की फैक्ट्री या सिल्क उद्योग को और हाईटेक किया जा सकता है आपकी प्राथमिकताओं में से? देखिए, पहली बात तो क्या इस सरकार से अब कोई नए इंडस्ट्री का आने की उम्मीद हम लोगों को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि
नीतीश कुमार जी की सरकार में मतलब लगभग 50 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज और मिल बंद हो चुकी है। और ये भी देखा गया कि कोई नई इंडस्ट्री नहीं आई, कोई नया रोज़गार नहीं हुआ। जो इंडस्ट्रीज पहले से थी, जो बिहार में अलग अलग जगहों की जो प्रमुखता थी, जो चीज़ें थी, जैसे भागलपुर में सिल्क सिटी है, तो आज के परिप्रेक्ष्य में यदि आप उसको देखेंगे तो पूरी तरीके से धीरे धीरे भागलपुर सिल्क सिटी अपनी अस्मिता को सिल्क के क्षेत्र में खोता जा रहा है। और उसके पीछे का कारण एकमात्र यही है कि कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा जो उस उद्योग को, उस क्षेत्र को बढ़ाने के लिए सब्सिडी देनी चाहिए थी, उन लोगों को जो सहायता देनी चाहिए थी, उन लोगों के लिए जो कम कर्ज पर लोन देने की आवश्यकता थी, उन लोगों के ऊपर बिजली जो है उनको 24 घंटा उपलब्ध कराने की आवश्यकता थी, उन लोगों के लिए एक बाजार हाट बनाने की आवश्यकता थी। तो जो उन मूलभूत चीज़ों को जब आप जिस जगह पर आपकी चीज़ें बहुत प्रमुख हैं, प्रमुखता से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहाँ जिसके कारण आपकी पहचान है, जब आप उस धरोहर को संभाल कर नहीं रख पा रहे हैं, वो धीरे 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 उसकी छवि धुलमिल हो रही है और वो धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पे है, बुनकरों की स्थिति खराब है, तो आप ऐसी सरकार से ये उम्मीद मत रखिए कि कोई नई इंडस्ट्री आ सकती है। ये सरकार जो है केले के क्षेत्र में नौगछिया हो, चाहे भागलपुर में जो है सिल्क सिटी के लिए कुछ बेहतर कर पाएगी। मुझे लगता है कि अब विजनरी लोग चाहिए। अब इस बार परिवर्तन पूरा प्रदेश चाह रहा है, और परिवर्तन इसीलिए चाह रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं प्रदेश के लोग भी देख चुके हैं 15 साल के कार्यकाल। और हर बार हम ये बोलकर कि उनका 15 साल पिछले 15 साल से हम बेहतर 15 साल है, ये बोलकर हमको हम कब तक बच पाएंगे? क्योंकि पिछले 15 साल में भी मुझे याद है कि हाँ थोड़ा सा प्लस जरूर हुआ है, लेकिन वो प्लस सिर्फ पहले 5 साल में किया हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी का है। बाकी के 10 साल क्या काम हुआ पूरे प्रदेश के लोगों ने बिल्कुल नहीं देखा है। सर, लोजपा की सरकार बनेगी, सीएम कौन बनेगा? देखिए, हम लोग तो ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है, लेकिन हम एक कार्यकर्ता होने के नाते, मैं एक युवा होने के नाते हमेशा चाहूँगा कि एक युवा प्रतिनिधित्व जो है वो प्रदेश की बागडोर संभाले। और हम लोग हमेशा चाहेंगे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी जो है वही इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने यदि हमारी सरकार बनती है। लेकिन बहरहाल मुझे लगता है कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके जहन में जो अभी पहली प्राथमिकता है वो भी वही है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से जिस तरीके से अभी वो हर दिन एक एक योजनाओं को बता रहे हैं, 100 नंबर शुरू कराने की बात उन्होंने की, अभी उन्होंने किस तरीके से स्वास्थ्य क्षेत्र में जो है मल्टी स्टोरेज अस्पताल बने उसकी बात उन्होंने की, शिक्षा के क्षेत्र में हर बच्चे स्कूल अपने इंटरेस्ट से जाए, जैसे दिल्ली के तर्ज पर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने कितने खूबसूरती से सरकारी स्कूलों को जो है बेहतर बनाया है, उसी तर्ज पर मुझे लगता है कि बिहार में स्कूलों को बेहतर बनाने की उनकी प्राथमिकताएं हैं। उनकी प्राथमिकता बिहार, जो कि पूरे विश्व से लोग यहां पर आते थे, नालंदा यूनिवर्सिटी यहां हुआ करती थी, यहां पर हमारे ठीक बगल में विक्रमशिला विश्वविद्यालय हुआ करता था, जो कहीं ना कहीं आज आप उसकी स्थिति देखिए वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका। जो पूरे देश को, पूरे विश्व को शिक्षा देने वाला एकमात्र स्थल था, आज वो शिक्षा के क्षेत्र में पूरे विश्व में, पूरे देश में सबसे पीछे आ चुका है। कहीं ना कहीं इसके पीछे का जो मुख्य कारण मुझे लगता है वो यही है कि यहाँ पर लोग, जो राजनीतिक लोग हैं, वो कभी चाहे ही नहीं कि लोग शिक्षित हो, क्योंकि यदि लोग शिक्षित हो जाएंगे तो आपकी अच्छी और बुरी बातों को समझ कर मतदान कर पाएंगे। वो हमेशा चाहे हैं कि हम लोगों को ना शिक्षा बेहतर दें, ना लोगों की ज़िंदगी को इतना बेहतर कर दें कि वो सोचने पर मजबूर हों। उनको हमेशा जात पात धर्म मजहब पर लड़ा लड़ा कर और इसी परिस्थिति में लाकर उनसे वोट लेना, वोट बैंक की राजनीति करना और सिर्फ अपने आप को सत्ता में काबिज रखना, यही उनकी राजनीति रही है। लेकिन यदि कोई नौजवान जीत कर जाएगा, यदि कोई नौजवान वहाँ तक पहुँचेगा, तो मुझे लगता है कि उसकी सोच इन सभी चीज़ों से परे होगी और कुछ बेहतर बिहार के लिए वो विकल्प ढूंढ पाएगा। बेहतर बिहार के विकल्प के लिए युवाओं के हाथ में बागडोर होनी चाहिए। और चिराग जी का जो सपना है बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, वो सपना को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे और विकास करेंगे। कुछ हमारे साथ पब्लिक है, युवा नेता है, नई सोच है, नई उमंग है, नई उमंग। इस बार किसको विधायक बनाएंगे, विकास को कि 30% को? ये हम लोग सोच रहे हैं विधायक बनाए राजेश भैया को, अभी बार विधायक के रूप में हम लोग देखना चाहते हैं और हम लोग को अच्छा काम करें।